एनटीए के तमाम नौटंकी के बावजूद आखिरकार आज आपका बीएचयू बीएससी एग्जाम कंप्लीट हुआ। आप सभी को आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। सो है एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट। सो दोस्त, बात करते हैं इस वीडियो में, आज आपका जो एग्जाम हुआ है बीएचयू के बीएससी एजे का, उसके हर एक सेक्शंस के सॉल्व आंसर की के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं कि यार सॉरी फॉर लेट, आपको ये वीडियो दोपहर में मिल जाती है, बट कॉलेज और एग्रीकल्चर फॉर्म के बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट बनानी पड़ रही है, ठीक है। हालांकि आप भी जब बीएससी एजी करने आओगे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा वर्क आपको मिलता है। हर एक सेमेस्टर में आपको 10-10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम में जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, बिल्कुल दूर दूर तक इससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। मैंने देखा पेपर, इसमें जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे, सो अब बीएचयू बीएससी एजी का मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, अब मेंटल एबिलिटी रीजनिंग नहीं रहा है, वो जनरल मैथ हो गया, ठीक है। लास्ट 10 सालों में कभी भी इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, पूरे के पूरे असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूरे पेपर में भर दिए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं हर एक सेक्शंस की मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और सभी सेक्शंस की एक एक क्वेश्चन के आंसर की के बारे में, ठीक है, आंसर के बारे में, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर से, ठीक है। हालांकि अपना बेस सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, सो इसी से स्टार्ट करते हैं। आप जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आपका पेपर सेट होगा, पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम 50-50 वही है, बट क्वेश्चन नंबर कहीं किसी का 151 है तो किसी का 181, किसी का 161, ऐसे करके क्वेश्चन डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्शन देख लें, जो पहला क्वेश्चन हमारा, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो, ठीक है। फसल उत्पादन प्रक्रिया में कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है। सबसे पहली चीज़ यार कि मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा, केवल यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। सॉल्व करने रहूँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, वैसे भी सॉल्व करने में थोड़ा लंबा टाइम लग गया है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाएँ तो हर एक क्वेश्चन 5-5 मिनट, 2-2 मिनट के हैं, ठीक है। तो आई थिंक, मुझे लगता है किसी भी बच्चे ने 90+ क्वेश्चन नहीं किया होगा जिस टाइप से इस साल का पेपर था, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि एनटी पेपर ले, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं, बट ये क्या, यहाँ पे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन ही, पूरा पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल है उन्होंने उसी को चेंज कर दिया, ठीक है। तो आगे जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बता दूँ, आप लोग अच्छे से, ठीक है, अब लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने से कोई, मे बी हमें लगता है कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जो भी पढ़ना है आपको, इस बार का क्वेश्चन लेवल देख लीजिएगा, उसके बेस पे अपनी, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था फसल उत्पादन प्रक्रिया का प्रकार, ये जो भी सेट है इसका पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले क्या की जाती है फसल उत्पादन के लिए, जब आप फसल बोते हैं यानी खेत में, तो पहले की क्या की जाती है, पहले उसकी जो सीड प्रिपरेशन करते हैं कि उसके खेत को रेडी किया जाता है। उसके बाद सेकेंड होता है बुआई की जाती है, थर्ड में निराई सिंचाई की जाती है, फोर्थ में थ्रेसिंग होटाई, यानी कि बी ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही था, बी ए सी डी। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन था निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, ठीक है। तो स्वराज, टाटा, जॉन डियर, महिंद्रा, महिंद्रा, आप लोग कॉमन सा क्वेश्चन है, माइंड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ये तीनों के तीनों ट्रैक्टर की कंपनी से, बल्कि टाटा ट्रैक्टर की कंपनी नहीं, यानी कि टाटा ट्रैक्टर नहीं बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे जो जिन्होंने टिक किया है, ये बिल्कुल इनका बहुत कुछ यहाँ पे गलत है। सो जिनका पेपर था मैं उसके अकॉर्डिंग, ये नहीं कि मैं पहले, आप मेरे बताने से पहले आप इसको सही मान लो, क्योंकि यहाँ पे ये टिक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप उसको देखिएगा, यहाँ पे कॉलम दिया है, कॉलम को मैच करना है, ठीक है। तो जो 153 का था, इसका जो राइट आंसर था मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए का खेतिहर क्या होता है, जुताई, बी का छिड़कने वाला यंत्र, कटाई का उपकरण क्या होता है, हसिया और दराती, निराई का यंत्र क्या होता है, खुरपी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, डी का फोर्थ है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर में, मुझे जहाँ तक पता है, जब से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अभी तक एग्रीकल्चर में असर्शन और रीजन के क्वेश्चन नहीं दिए गए थे स्टेटमेंट वाले, लेकिन इस बार हर एक पार्ट में, हर एक सेक्शन में असर्शन रीजन भर दिया गया था एनटीए की तरफ से, ठीक है। ये हर साल का, जब आईसीआर का एग्जाम भी लास्ट इन्होंने लिया था, पूरा का पूरा असर्शन रीजन भर दिया था। मुझे लगा था कि एनसीईआरटी बेस्ट होगा, लेकिन बिल्कुल एनसीईआरटी से हटके था यार, कुछ नहीं था एनसीईआरटी से लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 154 नंबर एग्रीकल्चर सेक्शन का, यानी कि चौथा नंबर, यहाँ पे असर्शन दिया गया बायोगैस इज ए रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज। रीजन क्या है, बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यूस एंड एनिमल वेस्ट। तो इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा, ये दोनों बिल्कुल सही है, बायोगैस रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली एनर्जी है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है क्रॉप रिड्यूस एनिमल वेस्ट को,
तो यानी कि बोथ ए आर इज ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, यानी कि ये करेक्ट है ये गलत है, इसके असर्शन में ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, बायोगैस एक ऊर्जा स्रोत है और बायोगैस फसल अवशेषों पशु अपशिष्ट से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था 155 का, द वैल्यू ऑफ रेन वाटर रिवाइज इन 100 मीटर स्क्वायर एट रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 20 mm पर हेक्टेयर इज, ये थोड़ा क्वेश्चन आ गया है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का, ठीक है, मेट्रोलॉजी का, और आप लोग मे भी यहाँ पे ना कर पाए हो क्योंकि थोड़ा जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे उनको मे भी आता होगा, जो और अदर सेक्शन वाले किए होंगे मे भी उनका क्वेश्चन यहाँ पे शायद मुझे लगता है गलत हो गया हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2000 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ का राइट था, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने लगाया है ये बिल्कुल गलत है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ मोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑफ लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो मोनोमीटर क्या कहता है, द्रव या गैसों के दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेशर को मापने के लिए मोनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन, आपको बहुत सारे रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे 157। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था ये, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, द लॉ ऑफ डिमांड रिफर्स टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसका रीजन क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड रिफर्स टू चेंज इन डायमंड। ठीक है, 157 है, आप लोग देख लीजिएगा जो ऑप्शन है, इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग बिलो। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि ए करेक्ट है बट आर इनकरेक्ट है। ठीक है, आप लोग यार इसमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाने लगो, जब आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ने आओगे बीएससी एजी में तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, वैसे अभी आप इतना मान लो कि इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, यानी कि ए ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन था फिर से स्टेटमेंट का, इन द वर्ल्ड ऑफ असर्शन क्या था, इन द वर्ल्ड ऑफ सिक्योरिटी चूजिंग वन टाइम गिविंग अप समथिंग एल्स। रीजन क्या है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिसीजन इन द वैल्यू ऑफ द गुड और सर्विस फॉरगेन। सब कुछ क्वेश्चन मतलब कहाँ से कहाँ पे आगे, इन्हीं का मतलब कुछ इनका अपना कुछ भी क्लियर नहीं कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही था, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट अप्रिसिएट टू ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही था, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने भी पेपर दिया है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ओके, फिर से एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये, अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मार्किंग पॉसिबिलिटी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लाभ कमाने की संभावनाओं के अनुसार निम्नलिखित बाजार संरचनाओं की आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, पहले क्या होगा, पूरी तरीके से कॉम्पिटिशन होता है। ओके, यानी कि पहले ए नंबर आ जाएगा, संपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, बाजार में अपना जो एक अपना एक लेवल बनाने के लिए क्या होता था, आप जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ने लगोगे तब आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूँ एग्रीकल्चर का क्वेश्चन तो आपके बीएससी एजे में काम आएगा, लेकिन जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फिर मैथ का क्वेश्चन है, कहीं भी जब आप बीएससी एजे करने जाओगे तो उसका यूज दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला है इसमें होगा कंप्लीट कॉम्पिटिशन, उसके बाद है मोनोपोलिटी कॉम्पिटिशन, उसके बाद है यहाँ पे एकाधिकार, उसके बाद है ओलिगोपोली, उसके बाद है ड्यूपोली, यानी कि पहले ए फिर ई, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है, पहले ए है। ठीक है, तो ए ई, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही है। ठीक है, जो क्वेश्चन था आप लोग देख सकते हो 159, लाभ कमाने की संभावनाओं के अनुसार निम्नलिखित बाजार संरचनाओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो क्या है इसका, पहले ए होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सप्लाई फंक्शन डिस्क्राइब द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, द मोमेंट अलोंग सेम कर्व सिंपली इंडिकेट चेंज इन द फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। फिर से एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भर दिया गया है, जहाँ पे पिछले साल तक इकोनॉमी हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आते थे, वहाँ पे इस बार मैक्सिमम 12 से 15 क्वेश्चन आए हैं आपके एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, यानी कि जो आपका पहला स्टेटमेंट है सप्लाई फंक्शन का वो बिल्कुल सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस का, मोमेंट अलोंग सिंपली इंडिकेट चेंज इन द फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, ये बिल्कुल गलत है।
आप जब एग्रोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इसी देखने को मिल जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका थर्ड यानी कि सही है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, यहाँ पे आपको फैक्टर चूज करना है कि आप कौन सा अधिकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो दो ही हैं, एक है आपका इंडिपेंडेंस, सेकेंड है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल बिहेवियर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई, और इंडिपेंडेंस यानी स्वावलंबन। ठीक, ए और ई, ऑप्शन नंबर फोर, ए और ई, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगेन बात करते हैं मैच लिस्ट का। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, जो ये ऑप्शन नंबर इसका 162 है, यहाँ पे आप मैच करके एक बार देख लीजिए, थोड़ा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा यार सब पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप फोन पे केवल मैं आप क्या करता हूँ, आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, वैसे अगर सॉल्व करके बताने लगा हूँ तो कुछ लंबा ही टाइम लग जाएगा, है ना। मुझे लगता है जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आई थिंक आपको कुछ लंबा, बहुत लोग क्वेश्चन छूट गए होंगे या फिर बहुत लोगों ने वहीं तुक्का मारे होंगे। ठीक है, तो यार तुक्का मारने से कुछ नहीं होने वाला, BHU है, सबको रेल लेगा। ठीक है ना, तो 162 का क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए थर्ड। ठीक है, माइज मुद्रा 1 रुपये का सिक्का क्या है, वो एक वैल्यू है। अगेन बी का आभासी मुद्रा क्या है, राजकोषीय चालान है। ठीक है, मतलब बस लोग उसको आभास कर सकते हैं, वो रियल में कुछ होता नहीं है, बॉन्ड होता है, वो कागज का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद सी है मुद्रा का प्राथमिक कार्य वो क्या है, मूल्य का माप। डी क्या है, मूल्य संचय। मुद्रा का द्वितीय कार्य क्या है, कि मुद्रा को अपने बैंकों में रिजर्व करना। ठीक है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, द क्रॉप कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे लगा कि ये सब क्वेश्चन आने चाहिए था। भारत में साधारण हरी घास में फसल का उपयोग होता है, तो वो होता है ढैंचा में। ठीक है, आलू हरी घास नहीं है, मसूर मटर नहीं है, मसूर को आप थोड़ा बहुत मान सकते हो किसी किसी इंडिया के एरिया में होता है, बट जो मेनली है इंडिया का वो है ढैंचा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन था, द ईटेबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, जो शकरकंद है उसका खाने वाला भाग क्या होता है, वो होता है मॉडिफाइड रूट। ठीक है, यानी कि रूपांतरित जड़ उसका खाने वाला पार्ट होता है। उसके बाद वाटर यूज इफिशियंसी इज हाईएस्ट इन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, जो सबसे अधिक जल उपयोग का दक्षता है उस किस में होता है, ड्रिप इरिगेशन में। ये स्टार्ट हुआ था इसराइल में ड्रिप इरिगेशन, और इसी में सबसे अधिक हाईएस्ट इफिशियंसी होती है। 165 का राइट आंसर था ड्रिप सिंचाई। अगला क्वेश्चन था, बरसीम के चारे की फसल की बुआई की जाती है। इसका राइट आंसर है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में बरसीम क्रॉप की बुआई की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, मुद्रा कणों का अनुरोधन इसके द्वारा किया जाता है, सॉयल पार्टिकल्स गेट डीप फ्लोक्लुएटेड ड्यू टू। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सोडियम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सोडियम। अगेन क्वेश्चन बात करते हैं सर्सन डिजाइन के, फिर से क्वेश्चन वही आ गए हैं। पल्स, पहला जो सर्सन है, पल्स वेन इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स दे एक्ट कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ठीक है, तो जो सेकेंड रीजन है इसका क्या है, पल्स विद अ टैप रूट डू नॉट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर विद सीरियल्स हैविंग फाइबर्स रूट सिस्टम। ठीक है, इसका राइट आंसर जो था यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ठीक है, बोथ यानी कि ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन आर इसके उदाहरण के अनुसार बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन फिर से है एसर्शन रीजन का, एल्कली सॉइल्स नीड पर्टिकुलरिंग फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ राइस व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल सॉइल्स। इसका रीजन है, एल्कली सॉइल्स हैव मोर एक्सचेंजेबल सोडियम ऑन द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स देन द नॉर्मल सॉइल। ठीक है, अब एग्रीकल्चर का क्वेश्चन एग्रीकल्चर नहीं रहा भाई यहाँ पे, अब आप अपना बायो लेके ही पढ़िएगा। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वाले बंदे आते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं मैथ और बायो के, वो आ जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्शन करने BHU में। तो मैं सजेशन दूंगा कि अगले साल से भूल के भी एग्रीकल्चर सेक्शन नहीं लेना है यार, आप लोग अपना बायो ही पढ़ो, अपना मैथ फिजिक्स ही पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर था 169 का, इसका था ऑप्शन नंबर फोर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर सही है। ठीक है, अगेन बात करते हैं यहाँ पे 170 नंबर क्वेश्चन का, कंसीडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण के विभिन्न प्रकारों को ध्यान में रखते हुए इसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे है आपका, पहले क्या होता है आपका, स्पेशल इरोजन होता है, सेकंड ये बिल्कुल सही आंसर उन्होंने लगाया है, बी सी, उसके बाद ई, उसके बाद
और डी उसके बाद ए, यानी कि पहले क्या होता है स्प्लैश इरोजन होता है, उसके बाद नॉर्मल इरोजन होता है, उसके बाद आपका सीट इरोजन होता है, उसके बाद रील इरोजन होता है, उसके बाद गली इरोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बी सी ई डी ए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा फिर से स्टेटमेंट का, सोविंग ऑफ सेकेंड क्रॉप व्हेन द फर्स्ट क्रॉप हैज अटेंड मैच्योरिटी एंड नियरेस्ट टू हार्वेस्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, ओवर लाइफिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ द टू क्रॉप्स विदाउट एनी कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, दोनों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर से आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन आया है, द क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर इज एट्रीब्यूट टू, पहला स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ फाइबर, सेकंड स्टेटमेंट है रिडक्शन ऑफ सेलुलोज इन फाइबर। मुझे लगता है कि इसका ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बल्कि पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि रेशे का रंग परिवर्तित होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन रेशेज में सेलुलोज का घटना ये तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट, सॉरी इसका स्टेटमेंट ऑप्शन होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था डिक्लेरेशन ऑफ फाइबर, रेशे में रंग भी परिवर्तित होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये भी बिल्कुल गलत बात है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है भाई। तो आप लोग देख सकते हो रेशे वाला जो क्वेश्चन था जूट फाइबर का, उसका दोनों स्टेटमेंट गलत था। आगे बात करते हैं, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है फिर से, यहाँ पे सरसन दिया गया सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑयल फॉर्मेशन इन प्लांट, सेकंड रीजन है एसएसपी इज अ गुड सोर्स ऑफ सल्फर, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है यार, दोनों सही है, आप थोड़ा सी पढ़े होगे तो ये बता सकते हो कि दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही है 2, ठीक है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये ऐसे हैं कि आप लोग जब अपने OMR से मैच करोगे तो मुझे लगता है आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, बट क्या किया जाए, अब मैं बता रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन नंबर देख के थोड़ा थोड़ा वीडियो आप स्टॉप करके पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अगेन बात करें गुआनो इज द मेन सोर्स ऑफ, गुआनो किस तत्व का मुख्य स्रोत है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस का जो मुख्य एलिमेंट है वो है गुआनो, ठीक है, तो आप इसको मे भी पढ़े होगे तो लगा दोगे फॉस्फोरस, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है डी सी ई बी ए, यानी कि पहले क्या होगा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है, ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको एल्यूमिनियम सॉरी सिलिकॉन मिलेंगे, उसके बाद एल्यूमिनियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, फिर कैल्शियम मिलेगा, यानी कि डी सी ई बी ए ये बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगेन बात करते हैं यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट को, तो आइए 176 देख लेते हैं, PGPR क्या है, ये एक 176 जो है इसका पहला जो मैच है वो है PGPR, ठीक है, तो इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। PGPR क्या है यहाँ पे, जैव उर्वरक है, सही है, उसके बाद AAS क्या है, ये है सूक्ष्म पोषक तत्व, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये है एल्कलिटी, SSR, TDS क्या है एसिड, ठीक है, यानी कि ए का थर्ड कौन सा, ये बिल्कुल सही, यही आंसर ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने सही मारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग मैचिंग वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा 176 में। अगेन बात करते हैं 177 का, ये भी मैचिंग लिस्ट का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एग्रीकल्चर क्वेश्चन, आप लोग मे भी इसको सही मारे होंगे, है ना, 177 नंबर है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमें लगता है इन्होंने सही मारा है ना। NBPGR कहाँ है, ये नागपुर में है, बिल्कुल सॉरी नई दिल्ली में, सही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद NBSSUP कहाँ है, ये है नागपुर में, ओके। बाद IISS कहाँ है, ये है भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ है, करनाल हरियाणा में, यानी कि पहले का तीसरा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये इन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन मारा है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। अगेन क्वेश्चन बात करते हैं मिट्टी के लंबवत अनुभाग को कहते हैं, वर्टिकल सिलेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज प्रोफाइल, ठीक है, जो मिट्टी का एक ऐसे जैसे मान लो मिट्टी है, ठीक है, इसको जब ऐसे काटेंगे बीच में से, ये क्या होगा, इसका एक पार्ट हो गया प्रोफाइल का, ये पार्ट हो गया प्रोफाइल का, इसको क्या बोलेंगे प्रोफाइल। अगेन बात करते हैं 177 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में
कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है एग्रीकल्चर वाले जो भी बच्चे पढ़े होंगे उनको सबको पता होगा। इसका राइट आंसर होगा 10:1 का, ठीक है। 10 होता है कार्बन, 1 होता है नाइट्रोजन, 10:1 का ये मृदा में मिट्टी में रेशियो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फसल में पर परागण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मेज। मेज में क्या होता है, पर परागण होता है, ठीक है, यानी कि ओपन पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ होता है, इस सब में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन की बात करें तो 181 क्वेश्चन है असर्सन रीजन का। गोल्डन राइस इज नोन फॉर हाई विटामिन ए, ये बिल्कुल सही है। द कलर ऑफ गोल्डन राइस इज येलोविश बिकॉज ऑफ द हाई विटामिन ए। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन बेलो, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है बट सेकेंड रीजन इसका गलत है, यानी कि ए इज करेक्ट, तो बोथ वाले नहीं होंगे। पहले ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन था 182, मेनी वेराइटी ऑफ कॉटन हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम बैक्टीरिया फाइट अगेंस्ट इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही असर्शन है इसका, है ना। उसके बाद रीजन क्या है, द कॉटन प्लांट इंटरग्रेस्ड विद द बैक्टीरियल जीन इज नोन इन द ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना। ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन, सही है लेकिन इसका गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ओके, एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 182 का सही है। आगे बात करते हैं 183, फसलों की किस्मों को विकसित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में सही क्रम का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे होगा पेरेंट्स सेलेक्शन, माता पिता का चरण, यानी जब आप किसी बीज को फसल में खेत में जाते हो बोने हैं तो पहले क्या आते हैं, पहले के उसकी जीन का उसके पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। नॉर्मल बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जीन को पेरेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी किसमें है, इसमें है। तो 183 का जो वहाँ पे डी पहला है, यानी कि ये सही है, डी ई ए सी, अब आगे इसको देखना ही नहीं है, आप थोड़ा भी अगर देख लोगे तो मैच कर जाओगे, ठीक है तुरंत। अगेन 184 क्वेश्चन है, अब म्यूटेशन इज जनरली रिसीव द हार्मफुल, सेकेंड स्टेटमेंट है म्यूटेशन इज यूज टू डेवलप मेनी क्रॉप वेराइटीज, ठीक है। 184 का यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, और यूज्ड फॉर डेवलपिंग मेनी क्रॉप वेराइटी, ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूगो डी ब्रीस ने जब म्यूटेशन सिद्धांत दिया था तो ये दोनों आप लोग उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, दोनों बिल्कुल सही, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, PRS10 इज द फर्स्ट एरोमेटिक हाइब्रिडाइज इन इंडिया, बिल्कुल सही है। काला नमक एरोमेटिक राइस वैरायटी, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बोथ स्टेटमेंट सही, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे एक बार कर भी लेते हैं, है ना। 186 क्वेश्चन है, सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट द रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, सेलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग फॉर इट, है ना। तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे मियोसिस का है और मिटोसिस का, है ना। आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, मियोसिस प्लस मिटोसिस, यानी कि ए और बी, ए और बी किधर है, ए और बी, ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे बिल्कुल सही है, मियोसिस और मिटोसिस ऑप्शन नंबर दो, ठीक है, केवल ए और बी, ओनली ए एंड बी, ठीक है, देख लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है। अगेन क्वेश्चन है, डेड हर्ट एंड वाइट ईयर इन राइस इज कॉज्ड बाय, धान में डेड हर्ट और सफ़ेद कान वाली कीड़े किसके कारण होता है। 187 जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर था साइकोफोर्गा इंसर्टुलस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फो फेगा दिया है, ये साइको सिर्फो खुला होता है, ठीक है। तो आप लोग फिर से इसको आप जज कर सकते हो, सिर्फो फेगा इंसर्टुलस, ठीक है। अगे बात करते हैं 188 क्वेश्चन का, मूंगफली के पौधे का मुरझाना और क्षतिग्रस्त जड़ किसके कारण होता है, ये होता है व्हाइट ग्रब के कारण, ठीक है, यानी कि सफ़ेद लट के कारण। ऑप्शन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी भारतीय नहीं है, जितने भी इंडिका डोरासाटा फ्लोरी या स्पीसीज के फ्लाई हैं, ठीक है, भी हैं वो सारे इंडियन हैं। तो इंडिका पहले नाम से पता चले इंडियन है, डोरासाटा ये भी इंडियन है, फ्लोरिया ये भी इंडियन है, मेली फेरा ये इंडियन नहीं है, ये कौन सा है, ये अमेरिकन वैरायटी है, सॉरी वैरायटी नहीं स्पीसीज है, ठीक है ना, ओके, कोई फ्रूट नहीं है, इंसेक्ट है। तो ये क्या है, एपिस मेलिफेरा, ये है आपका अमेरिकन स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 190 का जो मैचिंग क्वेश्चन है वो है, मैच करने वाला है कांटे से निकालना, क्या निकालना, अमेरिकन बॉलवर्म,
गर्मी की गहरी जुताई। तो यार ये सब क्वेश्चन ना बहुत लेंदी क्वेश्चन है ना, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जो कार्टिस निकालना होता है वो गैंडा बीटल होता है, उसके बाद सेकंड गर्मी की गहरी जुताई वो है माहू में, माहू लगने के कारण गर्मियों में माहू ना लगे उसके लिए गर्मियों में खेतों की गहरी मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, उसकी गहरी जुताई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है गेंदा उगाना अमेरिकन बोलवर्म के लिए, डी है पीला चिपचिपा जाल वो होता है वाइट ग्रब का, ठीक है। इसका होगा ए का ऑप्शन नंबर डी, तो ए का ऑप्शन नंबर डी किधर है, ए में देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ओके। बी का ऑप्शन नंबर सेकंड, बी का ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही, सी का ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। सी का यहाँ पे ए फर्स्ट दिया तो सी का ये, हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, डी का फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 190 का आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 191 का, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एफिड ट्रांसमिट प्लांट वायरसेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है एफिड हैव पल्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट से, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 192 है क्या है, इंसेक्ट आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, कीट को व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो, पहले क्या किया जाता है उसके ऑर्डर, उसके बाद उसकी फैमिली, यानी कि ऑर्डर मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ऑर्डर उसके बाद उसकी फैमिली और उसके बाद उसका जीनस, उसके बाद उसका ट्राइब, उसके बाद उसका स्पीसीज, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, पहला डी है, उसके बाद फैमिली ए है, यानी कि डी ए कौन सा है, डी ए ये भी है ये भी है, फिर बी, तो बी है जीनस, तो यानी कि यानी ऑप्शन नंबर दो इसका बिल्कुल सही, आप लोग मैच कर लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही, डी ए बी सी ए मैचिंग क्वेश्चन है ये 192 का, ठीक है। आगे बात करते हैं 193 का, गन्ने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 193 है, इसका राइट आंसर होगा मिट्टी से भरा सेठ, यानी कि लीफ ओवर नहीं होता, ठीक है। आप इसको मैच कर लीजिएगा, काफ़ी सारे ये घुमावदार क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन है पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटी ऑफ मैंगो इज, ठीक है। तो इसका जो पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटी है बेल्लोरी और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बेल्लोरी और नीलेश्वर डॉप, ये दोनों वैरायटी मैंगो की है, बट सलेम आई एम नॉट क्लियर व्हाट इज़ दिस, बट अगर दो ऑप्शन यहाँ पे आप वैरायटी मैंगो के तो आप इसको भी मान सकते हो, तो आप इसका राइट आंसर ऑल द अबव यानी कि उपरोक्त सभी भी लगा सकते हो, ठीक है। विच फ्रूट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, वैसे तो बारबाडोस शेरी होता है लेकिन यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसके बाद आंवला होता है, तो आप आंवला को सही कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंवला इज राइट आंसर, काफ़ी लोग नींबू वर्गी नींबू मारे होंगे, बट मे भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग आंवला भी किए होंगे तो सही होगा, ठीक है। कौन सा फूल फसल कटाई छटाई विंटरिंग प्रक्रिया को कहलाता है, ठीक है। 196 नंबर इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आपका सही है, क्या होता है रोज में प्रूनिंग और विंटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऑपरेशन प्रोसेस होता है हॉर्टिकल्चर में। अगेन बात करते हैं सीडरेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो, 197 है इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में हाइब्रिड टोमेटो की बीज की आवश्यकता होती है। और 198 क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, स्पॉन्जी टिश्यू इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पॉन्जी टिश्यू इज फाउंड ऑफ मैंगो फ्रूट, ये बिल्कुल सही है, स्पॉन्जी टिश्यू इज फिजियोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही, दोनों स्टेटमेंट दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे दिया गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पूसा नन्ना ये डॉर्फ वैरायटी ऑफ पपाया, बिल्कुल सही है, ये चीज़ आपने मुझे लगता है कई बार पढ़ा होगा कई बार। एंड पूसा नन्ना यूज्ड फॉर हाई डेंसिटी प्लानिंग, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर एक सही है। लास्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सेक्शन का मैचिंग का क्वेश्चन है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, बीटा वल्गेरिस, ठीक है। तो बीटा वल्गेरिस क्या है यहाँ पे, ये साइंटिफिक नेम है आपका चुकंदर का। सेकंड बी ऑप्शन है डाइसोकोरिया एलोटा, ये क्या है आपका जिमीकंद है। कुकुमिस अंगूरिया, ठीक है, ये क्या है आपका घरकीन है। विसिया फावा, ये क्या है आपका बाकला है, ठीक है। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, ए का डी, ए का फोर्थ नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये, उसके बाद बी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, जो ये साइंटिफिक नेम दिया गया है इसको मैच करना है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको इसको बता दे रहा हूँ,
बीटा वल्गेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है, वो है चुकंदर का, ठीक है। और उसके बाद डाइसो कोरियो लाटा कौन सा है, और जिमीकंद है, कुबोसमी संगूरिया घरकीन है, विस्किया फावा बाकला है, ठीक है। तो ये था पूरा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, आपका पूरा एग्रीकल्चर क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे हम रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन भाई साहब लगता है SSC लेवल का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, हालांकि क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, बस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 100 का इक्वल 10% है, 100 का 10% 10 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सही करना है, इसका पहला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और ई। 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होता है, ठीक है। और ए क्या है, 0.005 का 0% क्या होता है, 0.0004% के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बिल्कुल ई सही है, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। अगेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको ब्लर दिख रहा होगा, किसी ने मुझे सेंड किया था, बट मे भी यही है मेरे पास, तो आपको बताना पड़ रहा है। आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंडेड ए सर्कुलर पार्क हुज सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर, द एरिया ऑफ द रोड इज स्क्वायर मीटर इज। इसका राइट आंसर था, जो रोड वाला क्वेश्चन था रीजनिंग में, उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2618। आप सॉल्व करने लगोगे आपको 5 मिनट पक्का लगेगा, ठीक है ना। तो अभी बस आंसर पता करके आप देख लो कि आपने मैच कर लो कि आप फिर से यार क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना क्वेश्चन किया आपने और कितना आपका क्वेश्चन सही है कितना गलत है। मे बी आपने मैच कर लिया होगा किसी और के थ्रू, जैसे भी, तो जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगेन बात करते हैं, एक डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे 256 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। जो डायमीटर ऑफ सर्कल वाला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था 256, यानी कि 256 वर्ग मीटर। एक क्वेश्चन था, 3 प्लेयर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर आप मान सकते हो 24 मिनट, वैसे इसका राइट आंसर 12 आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब पूछा क्या है, कितने समय बाद वे आरंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे, यानी कि एक राउंड पे यहाँ पे 12 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कितने समय बाद, तो फिर से एक चक्कर मारेंगे, यानी कि 12 मिनट बाद, तो 24 मिनट बाद आपका ये राइट आंसर है 24 रनिंग वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 24 लीप वर्ष होते हैं, एक सेंचुरी में 24 लीप ईयर्स होते हैं। अगेन बात करते हैं षष्ठी क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट, फर्स्ट द एंगल ट्रैक्ड बाई हॉर हंड इन 2.5 hours इन 75 degree, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, द एंगल ट्रांस्ड बाई द मिनट इन 20 seconds इन 2 degree, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 6 का जो राइट आंसर है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, एंगल वाला जो क्वेश्चन था आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगेन क्वेश्चन था, वेल अटेंडिंग योर फ्रेंड्स पार्टी यू सी योर फ्रेंड्स मफलर कैचिंग फायर फ्रॉम द कैंडल ऑन द टेबल बिहाइंड यू वुड, यानी कि अपने दोस्त की पार्टी में शामिल होने के दौरान आप अपने दोस्त के मफलर को उसके पीछे टेबल पर लगी मोमबत्ती से आग पकड़ते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मफलर है यानी कि विंटर क्लॉथ है, उसको क्या करेंगे आप, जल्दी से मफलर को उसके गले से निकालेंगे और उस पर पानी डालेंगे, ठीक है। आप ये नहीं कि और मफलर को कंबल से तोपे, यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मफलर क्या है, विंटर एक वस्त्र है, ठीक है, जाड़े वाला वस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ये क्वेश्चन है रिलेशनशिप का, अब एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का पुरुष से संबंध क्या था, ससुर की बहन है भाई वो, ठीक है ना। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन क्वेश्चन है 9 नंबर स्टेटमेंट है, श्रीनिवास इज ए मैथमेटिशियन एंड हैज ही कैन नॉट बी मिस्टिसाइड इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोसिएट फॉर्म, ठीक है। तो श्रीनिवासन मैथमेटिशियन वाला क्वेश्चन था 9 नंबर का, उसका राइट आंसर था, संगीत और गणित एक साथ नहीं चलते, आप बस इतना जान लो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यार बहुत माइंडेड क्वेश्चन है सब, आप मे भी मुझे लग रहा है कि आपको सॉल्विंग क्वेश्चन बताने में काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको एक बार आंसर बता रहा हूँ। अगेन क्वेश्चन था 10वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फीलिंग, निम्नलिखित में से कौन एक भावना में हमेशा होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर है यहाँ पे इनर विजन, यानी कि इनर विजन में क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई फीलिंग होती है, प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर हर टाइम, ठीक है। अंतर्दृष्टि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगेन बात करते हैं, फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल अपीयर लाइक द क्वेस्ट फिगर आफ्टर रोटेशन क्वेश्चन फिगर, ठीक है। निम्नलिखित में से दिए गए पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति घूर्णन का मूल आकृति को की तरह दिखती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि
ये बिल्कुल सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 11th का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th का, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए ये होता है क्वेश्चन रीजनिंग का। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ कुछ भी आप भर के दे दो भाई। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4th यानी कि 2। यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा अपने से। आगे क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ सटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव दैट वुड कंप्लीट द फिगर। आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्प में से एक उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, आप लोग इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन था 14 नंबर, ये मुझे समझ में नहीं आया तो मैं इसको क्विट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। पॉइंट क्यू इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। मैं बता रहा हूँ, कोई भी अपने में कितना भी रीजनिंग में महान हो, इस क्वेश्चन को करने में उसको मैक्सिमम 5 मिनट तो लगेंगे ही। ठीक है, तो हटाओ क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। पॉइंट पी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट आप पॉइंट पी, इसका आपको मैं राइट आंसर बता दूँ केवल कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो पॉइंट वाला क्वेश्चन था, पी क्यू आर एम एन इन सब का वाला। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड इज अलोन सफिशियंट वेल फर्स्ट गोइंग इज नॉट सफिशियंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अकेला 2 पर्याप्त जबकि अकेला 1 पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन 2 पाइप्स फंक्शन सिमुलेटिवली द रिजर्व विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स, द सेकेंड पाइप्स फिल द रिजर्वर 10 आवर्स मोर देन द फर्स्ट, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक द सेकेंड पाइप फिल द। यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो जलाशय 12 घंटे में भर जाएगा, दूसरा पाइप जलाशय को पहले की तुलना में 10 घंटे अधिक में भरता है, दूसरा पाइप जलाशय को भरने में कितने घंटे का समय लेता है। ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा 30 घंटे। ठीक है, जलाशय वाला जो पाइप वाला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था 30 घंटा। अगेन जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि का एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है और उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज रुपये 3000 है, तो धन की राशि क्या है। धन की राशि है 20,000 रुपये। ठीक है, आप लोग बस क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, सॉल्व करने में लंबा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगेन 18 नंबर क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्टेड, एक मैन आदमी ने 3500 रुपये इन्वेस्ट किया, उसका एक हिस्सा 4% की वार्षिक ब्याज दर पर और शेष 5% पर उन्हें कुल वार्षिक ब्याज पर 153 रुपये मिले, उसने 5 रुपये की दर से कितना निवेश किया था। ठीक है, 3500 रुपये था तो उसको कुल वार्षिक ब्याज 4% और 5% की दर पर 153 रुपये मिला था, उसने 5% वाले ब्याज पर कितना इन्वेस्टमेंट किया था। ऑप्शन नंबर 18 का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1300 रुपये इसने 5% की ब्याज पर इन्वेस्ट किया था, जिससे इसको 153 रुपये भी मिले थे। है ना, ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से उधार दी गई हो तो धनराशि पर 2 वर्ष के लिए रुपये 6 मूलधन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2400 रुपये इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, मिस्टर ए, श्रीमान ए किसी राशि का 40% 15% प्रतिवर्ष एवं शेष राशि का 50% 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार देते हैं और उसके बाद शेष राशि 18% प्रतिवर्ष की उधार देता है, यदि ब्याज की गणना पूरी राशि पर की जाए तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। इसका राइट आंसर था 14.4% पर ईयर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा, सॉल्व करने लगोगे वही बात है, टाइम लगेगा। अगेन क्वेश्चन है सर्सन रीजन का। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, परिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर द सम ऑफ 3 मीडियंस, सेकंड स्टेटमेंट इज सम ऑफ द 3 एटीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 साइड ऑफ इट, थर्ड स्टेटमेंट ईच एंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 90 डिग्री, डी ऑप्शन है इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल एटीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डज नॉट बाइसेक्ट द बेस ऑफ ट्रायंगल, एंड इज स्टेटमेंट द डिफरेंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। इसका ऑप्शन नंबर जो है 21 का वो राइट है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसमें केवल कौन कौन सा सही है। पहला सही है, किसी त्रिभुज में उसका परिमाप तीनों माध्यिकाओं की योग के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है यानी कि ए सही है। उसके बाद ये गलत है, 90 अंश का कोण कभी भी त्रिभुज में नहीं बनता, 45 ही बनता है, तीनों पूछा है। ठीक है, तो तीनों नहीं बन पाएगा और तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है, समबाहु त्रिभुज का 90 कोण, ये भी बिल्कुल गलत है।
समबाहु त्रिभुज, ये भी बिल्कुल गलत है, ये सही है। हाँ ठीक है, ए और ई ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही है, केवल ए और ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे जो मैचिंग क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए, पूरा का पूरा मैचिंग क्वेश्चन दे दिया रीजनिंग में भी। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते तथा समकोण पर काटते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वह वर्ग होता है। ठीक है, यानी कि समबाहु चतुर्भुज है ये, चारों भुजा इसके बराबर हैं, इसका विकर्ण बराबर होगा, विकर्ण माने ये बाहु चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसका ऑप्शन नंबर 22 का, ठीक है, जो क्वेश्चन था मैचिंग वाला इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। यार बहुत ही फालतू क्वेश्चन दे दिए हैं ये सब, मतलब टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन दिए हैं। बीएससी एजी का एग्जाम दे रहा है, फिर एसएससी का कोई क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है, तो भाई अब आप लोग एसएससी की तैयारी करो, बीएचयू बीएससी का एग्ज़ाम दिया करो, ठीक है ना, है ना। आगे क्वेश्चन था 23 नंबर है ना ये, हाँ 23 नंबर है, फिर से वही फालतू क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज ये वो 3-5 सब है। ठीक है, तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए बी और ई इसमें से सही है, ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। ठीक है, तो बात करते हैं अगेन क्वेश्चन के, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, 2 hype men and 4 boy कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 20 days वाइल 3 men and 2 boy कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। ठीक है, 5 आदमी और 4 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी एक दिन का काम 3/20 है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। अगेन बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, 2 शिक्षक और 3 छात्र किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, जबकि 3 शिक्षक और 2 छात्र उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो एक छात्र एक दिन का कार्य 1/100 है, ये भी बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अगेन लास्ट बात करते हैं रीजनिंग क्वेश्चन का, लास्ट ही क्वेश्चन है, यदि एक आदमी अपनी पेंसिल 4 लड़कों पी क्यू आर और एस के बीच में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस आदमी के पास पेंसिल की न्यूनतम संख्या 57 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है, यदि 2 संख्याओं का योग पी और क्यू का योग 5.7 के रेशियो में है और योग 36 है, तो पी 15 है, 5.7, ठीक है, तो पी इनका योग क्या है, 5.7 का योग है आपका 36 और पी क्या है 15, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 21, ठीक है, तो 3 × 15 = 3 × 7 = 21, यानी कि सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग, चलो लास्ट क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, है ना, आप लोग मानिए यहाँ पे पी रेशियो क्यू है, पी कितना है 5:7 है, ठीक है, उसके बाद पी का योग क्या है, ये 15 है। ठीक है, तो 5 × 15 होता है, 7 × 21 कर लो, ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ दो, 21 × 15 = 36 हुआ, है ना, हुआ ना, तो इसका योग कितना है 36 है, इसका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अब ये था रीजनिंग का क्वेश्चन, भाई साहब मैं क्या बताऊँ, रीजनिंग का क्वेश्चन ही रीजनिंग नहीं रहा, आप है ना जनरल मैथ हो गया है, और आप देख ही रहे हो क्या क्या चल रहा है। अब आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, तो केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं, 26 नंबर है, पहला नंबर है केमिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, केवल आंसर बताऊंगा आपको पूरे केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पॉलिएस्टर। सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच का मान क्रमशः -400 kJ है और -20 kJ है, वह तापमान जिसके नीचे प्रतिक्रिया स्वतः स्फुट होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 20 कैलोरी पे। ऑप्शन सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन H2G + I2G = 2H, यानी कि मरकरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है आपका। ठीक है, तो 28 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, KP = KE। ठीक है, अगेन बात करते हैं, अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक बेस विद अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, KB फॉर द बेस इज 10⁻⁹ pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन विल बी, एक दुर्बल क्षार की समान सांद्रता को उसके प्रबल अम्ल के लवण के साथ मिलाकर एक बफर विलयन तैयार किया जाता है, इस क्षार के लिए 10⁻⁹ है, इस बफर विलयन का pH क्या होगा। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका बफर सॉल्यूशन क्या होगा, बफर विलयन का pH होगा वो होगा 5। ठीक है, आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग ठंडे जलवायु में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान जिसे -6 °C पर जमने से रोकने के लिए 4 किलो पानी में मिलाया जाता है, तो होगा इसका फोर्स कितना, 1.86 किलो कैलोरी मोल, और एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर का जो
द्रव्यमान है, ठीक है, मास है, वो है 62 ग्राम मोल, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, जो इथिलीन ग्लाइकोल वाला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, 800 ग्राम, ठीक है। यार मैं बता रहा हूँ फिर से, जो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डेल्टा सी, ये वो, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ने वाला आपको, ठीक है ना। जब आप बीएससी जी करने आओगे तो दूर दूर तक आपको ये सारी चीज़ें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। सिलेक्शन हो जाए भाई तो इन सब चीज़ों से आपका नाता छूट जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको ये सब चीज़ें अब आगे देखने को नहीं मिलेंगी अगर आप बीएससी एजी करने जाते हो तो। ये जो क्वेश्चन था मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, आपको लग रहा होगा मुझे पढ़ना नहीं आता, वहीं मान लो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 31st का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd, 388.5, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगेन क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोज्ड एट द कैथोड। CuSO4 का एक घोल 1.5 एम्पीयर की धारा के साथ 10 मिनट के इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, कैथोड पर जमा तांबे का द्रव्यमान क्या है। तो उसका द्रव्यमान होगा 0.296 ग्राम। क्वेश्चन आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगेन क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पाई इज बॉन्ड इन सिल्वर कार्बन नाइट्रेट यानी AgCN2-, ठीक है। तो इसमें पाई बंद की कितनी नंबर है, तो जो पाई बॉन्ड है उसका नंबर है टोटल यहाँ पे 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, यानी कि 4 पाई बॉन्ड है AgCN2 में, ठीक है। द एज ऑफ एंशिएंट सैंपल ऑफ वुड इज एस्टिमेटेड यूजिंग द रेडियोस्टोप, आप लकड़ी के प्राचीन नमूने की आयु का अनुमान किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग करके लगाया जाता है। 34 का ऑप्शन है, 6 कार्बन 14 का उपयोग करके हम किसी भी प्राचीन नमूने की उसकी एज का डिसिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि 6 कार्बन 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श समाधान के लिए सही मानदंड नहीं है, ठीक है, मानदंड यहाँ पे नहीं है पूछा गया है 35 में, ये बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है, कौन सा मैन है, डेल्टा जी मिसिंग इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd 35 का सही नहीं है। अगेन बात करें 36 नंबर का, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। तो आवृत्ति प्रवृत्तियों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 36 का वो राइट है, ऑप्शन नंबर 1st ही इसका सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे की तरफ, वो घटता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, और यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आयोनाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1st इसका सही है। अगेन बात करते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। LiCl गेट्स हाइड्रेट इजली, बिल्कुल सही है भाई ये मेरे, 37 क्वेश्चन है ये, बिल्कुल LiCl आसानी से डाइहाइड्रेट हो जाता है, बिल्कुल सही है। लिथियम ऑक्साइड आसानी से ऑक्सीजन के साथ मिलकर सुपर ऑक्साइड बनाता है, ये बिल्कुल गलत है, पहले ही मिल चुका कि हमें गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, यानी कि लिथियम ऑक्सीजन आसानी से ऑक्सीजन के साथ मिलकर सुपर ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल गलत है ये चीज़, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2nd इसका सही आंसर है। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर होगा BCl3, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1st। अगेन क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए पीने के पानी में अनुमत सांद्रता न्यूनतम है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कैडियम, ये बिल्कुल राइट आंसर है कैडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2nd। अगेन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंधन सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जबकि और बाकी बचे इन तीनों का एक्सप्लेन अच्छे से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रकृति का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगेन क्वेश्चन है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज इन एयर, निम्नलिखित में से कौन हवा में स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, 41 क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सफ़ेद फास्फोरस, ये अपने आप हवा में जब आप इसको ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो अपने आप ही ये गायब हो जाता है, ठीक है, यानी कि वाइट फास्फोरस इसका राइट आंसर है। अगेन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने किसी भी यौगिक के सकारात्मक ऑक्सीजन अवस्था को नहीं दिखाता है, क्वेश्चन नंबर 42 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फेरस, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फास्फोरस, ठीक है, लोहा, ठीक है ना। अगेन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, ये भी एसर्सन रीजन क्वेश्चन केमिस्ट्री में दे दिया गया है,
द सल्फाइड आयन S2- कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। इसका रीजन क्या है? द आयंस गेट प्रोटोनोटेड फ्रॉम SH। ठीक है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है इसका राइट आंसर होगा ये तो सही है, बट बी इसको फॉलो नहीं करता, यानी कि ये सत्य है लेकिन आर एक ही असत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड इसको मान सकते हो। ठीक है, आई एम कन्फ्यूज ऑन दिस क्वेश्चन, सो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगेन क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX2 एल्केलाइंस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। इसका आपको एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड मिलाने पर निम्नलिखित में से अनुक्रियम जो रिएक्शन होता है उसकी राइट अनुक्रियम यानी कि उसका सही सीक्वेंस क्या है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट जो सीक्वेंस वो है इलेक्ट्रोफिल अटैक बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी कि इलेक्ट्रोफिल कब अटैक करता है? आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, आप लोग मैच कर लीजिएगा अपने OMR से। ठीक है ना, अगेन बात करते हैं, ये रिएक्शन है, इसको आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, HC डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अगर जिंक होता यहाँ पे, ठीक है ना, फैटी, हालांकि जिंक नहीं है, तो आपको सिरका भी बन सकता था, सिरका भी बन सकता था, लेकिन जिंक के ना होने के कारण यहाँ पे क्या बनेगा? इसका राइट आंसर होगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिड तो बनेगा नहीं, अगर जिंक होता तो एक बार ZN बन जाता, ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पे एसिड है नहीं, ZN है नहीं, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, सिरका अम्ल है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ भी जिंक वाली ही रिएक्शन यूज होगी, जिंक है नहीं तो एसिटाल्डिहाइड एसीटोन बनेगा नहीं, इसका राइट आंसर होगा एसिड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, हाँ एसिड बनेगा। तो दो एसिड दिए गए हैं, सी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी और डी, सिरका अम्ल और फॉर्मिक एसिड ही बनेगा। अगेन क्वेश्चन, द IUPAC नाम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है, आप लोग को IUPAC नेम बताना है, इसका राइट आंसर होगा 3-ethyl-4, यानी कि 7 यहाँ पे ये दिए गए एथिल, उसके बाद 4-dimethylheptane। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4-3-ethyl-4-4-dimethylheptane। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 3-ethyl-4-4-dimethylheptane। ओके, अगेन बात करते हैं 48 नंबर का, RCONH2 की Br2 और KOH की प्रतिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती बनता है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 RCONHBr और RNCO। ठीक है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगेन क्वेश्चन है, आइडोफॉर्म परीक्षण किस एक को छोड़कर सभी में देखा जा सकता है? आइडोफॉर्म टेस्ट किसी एक को छोड़कर किस में देखा जाता है? ठीक है, बिल्कुल सही है, 3-methyl-2-butanone में भी देखा जाता है, आइसोप्रोपाइल में भी देखा जाता है, एथिल मिथाइल में भी देखा जाता है, लेकिन एल्कोहल में कभी भी आइडोफॉर्म टेस्टिंग नहीं किया जाता है, यानी कि आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये बिल्कुल इसका गलत है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, किसको छोड़कर सभी में देखा जाता है ये पूछा गया है, किस में देखा नहीं जाता ये नहीं पूछा गया, अगर देखा नहीं जाता यहाँ पे नहीं होता तो ये सही होता। ठीक है, और ये सब गलत होते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सभी को छोड़कर किस में देखा जाता है, तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल में देखा जाता है, इन तीनों में नहीं देखा जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। ओके, अगेन बात करते हैं 50 नंबर, उत्पाद एक्स को पहचानिए, प्रोडक्ट एक्स क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, R2MgX इक्वल टू एक्स, प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे 50 नंबर का? R1CoR2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? R1CoR2। ठीक है, ये इसका राइट प्रोडक्ट होगा, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। ठीक है, तो गाइज ये थी पूरी BSc AG की मैथ, BSc AG का एग्रीकल्चर का मेंटल एबिलिटी का और केमिस्ट्री का पूरा सॉल्विंग क्वेश्चन। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करके हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जल्दी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटआउट की वीडियो मिलने वाली, क्या कटआउट रह सकती है इस बार की, वैसे पेपर तो काफ़ी हार्ड था। ठीक है, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको लगा हो कि नहीं गलत बताया गया है, आप उसका क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में। और अगर आपको भी बायोलॉजी मैथमेटिक्स और फिजिक्स मैथ के क्वेश्चन चाहिए तो
उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसकी भी आंसर की बता देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नए ऑडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतने लंबे टाइम से बने रहने के